ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली है। मुंबई की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन समेत दो और लोग 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे। इससे पहले एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुर्मू धामेजा को रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया था। रविवार शाम को 7 बजे तीनों का मेडिकल टेस्ट किया गया। टेस्ट के बाद सभी को हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने तीनों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया था, जिसके बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि आर्यन को 7 तारीख को बेल मिल सकती है। लेकिन सूत्रों की माने तो आर्यन को निर्दोष साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, जिसके बाद से आर्यन को बेल मिलने की काफी कम उम्मीद है। एनसीबी का यहां तक मानना है कि ड्रग्स का ये रैकेट इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। हमें इनके कॉल डिटेल्स निकालने होंगे। हमारे समाज में युवा नशे के खतरे से ज्यादा प्रभावित होते हैं। एएसजी ने अदालत को बताया कि उन्होंने पार्टी के आयोजकों से भी पूछताछ की है। आर्यन ड्रग्स के बारे में कोड वर्ड में चैटिंग करते थे। एनसीबी ने अब 11 अक्टूबर तक के लिए हिरासत की मांग की है। एनसीबी ने कहा था, हमें पूछताछ और जांच का दायरा बढ़ाना होगा, इसलिए हमें रिमांड दी जाए ताकि सभी से अच्छे से पूछताछ हो सके। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दे दी है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही ऐसे और भी ट्रेंडी न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।